जय हिंद। आज के हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि जब भी आप बैंक जाते हैं और नया एटीएम कार्ड इशू करवाने के लिए, तो आपसे हमसे पूछा जाता है कि सर आपको किस प्रकार का एटीएम कार्ड चाहिए, पर्सनलाइज या फिर नॉन पर्सनलाइज। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार क्या आपको हमें कौन सा एटीएम कार्ड चाहिए। तो आप सोच के भी बताते हैं कि हाँ, पूरे उससे पूछते भी हैं इवन कि कौन सा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज पूरी जानकारी दे देते हैं कि पर्सनलाइज एटीएम कार्ड और नॉन पर्सनलाइज एटीएम कार्ड में अंतर क्या होता है, और इस बिल्कुल कंफ्यूजन आप ना रहे और आसानी से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोग बहुत सारे क्वेरी भी थे, तो उस क्वेरी को भी आज दूर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी सबको मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम बैंक में जाते हैं एटीएम कार्ड लेने के लिए, तो हमसे पूछा जाता है कि सर आपको किस प्रकार का एटीएम कार्ड चाहिए, तो पर्सनलाइज या नॉन पर्सनलाइज। तो बेसिक जो फंडा यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि नॉन पर्सनलाइज में जो बैंक होता है वो पहले से ही उसे प्रिंट करके या पहले से उस कार्ड को बना करके ब्रांचों से भेज देती है, ताकि कस्टमर्स को कभी भी जरूरत हो तो इंस्टेंटली उन्हें वो कार्ड दे दिया जाए और वो अपना आसानी से काम कर सकते हैं, जो भी लेन देन है उनका आसानी से कर सकते हैं। तो एक इंस्टेंट सुविधा यहाँ पे मिल जाती है जो कि नॉन पर्सनलाइज होता है। और नॉन पर्सनलाइज कार्ड में आपका नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है, बस एक ही अंतर है, उसमें नाम नहीं लिखा, बाकी सारा कुछ एज इट इज उसी फंक्शन पे ही वो काम करता है। यहाँ अगर बात करें पर्सनलाइज कार्ड पे, तो पर्सनलाइज कार्ड पे आपका एक सुविधा यहाँ पे मिल जाता है कि पर्सनलाइज कार्ड पे के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो वो बैंक आपके जो भी हेड ऑफिस या जो भी जहाँ पे कार्ड उसका बनता है, वहां से बकायदा आपका उस पर नाम लिखा हुआ रहेगा और आपके सारे डिटेल्स वहां पे दिए हुए रहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप सेफ भी रहते हैं। होता है क्या कि जितने आजकल फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड भी होने के कारण इसका यहाँ पे ये है कि आप जो भी अगर आपसे नॉन पर्सनलाइज एटीएम कार्ड है और कहीं कार्ड गए हैं सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए, तो अब जो भी फ्रॉड करने वालों के पास भी तो नॉन पर्सनलाइज ही होगा, ठीक है। आपसे किसी प्रकार से कार्ड स्वाइप करके आपको अपना जो कार्ड है वो आपको थमा देते हैं। अगर आपके पास पर्सनलाइज एटीएम कार्ड होता है तो बकायदा आप अगर एक्सचेंज भी होता है तो आप उसे वहां पे पढ़ सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे अपना जो भी एटीएम कार्ड है इंस्टेंटली आप वहां पे बंद करा सकते हैं और फ्रॉड से बच सकते हैं। तो काफी सारे अंतर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो मुख्यतः अंतर है यहाँ पे ये दोस्तों कि फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो अन पर्सनलाइज है वो आपको इंस्टेंट मिल जाती है। अगर पर्सनलाइज के लिए आपको 6 से 7 दिन या फिर कह दे तो 15 दिन तक आपको मैक्सिमम इंतजार करना पड़ता है, और वो एटीएम कार्ड हो सकता है कि आपको ब्रांच से भी मिल सकता है और नहीं तो आपके होम एड्रेस पे भी मिल सकता है। सभी बैंकों के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन वो बिल्कुल अलग अलग है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। हो सकता है बहुत सारे बैंकों का जो एटीएम कार्ड है वो होम डिलीवरी हो जाता है और बहुत सारा का जो है वो ब्रांच में आता है, तो ब्रांच भी आप विजिट करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।